learners. Welcome to your favorite digital learning platform, Unfold You. I am Virendra Singh, your physics mentor. और आज हम अपना स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. और इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट. सो देयर इज अ जनरल लॉ व्हिच सेज एनी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. दैट मींस एक जनरल अगर मेरे पास करंट कैरिंग वायर है दैट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. देखिए कैसे. मान लीजिए मेरे पास ये एक वायर है और इस वायर में एक करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन आई. देन दिस करंट कैरिंग वायर विल फॉर श्योर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट ये याद रखिए कोई भी करंट कैरिंग वायर होगी इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स किया था वहां हमने देखा था व्हेन अ चार्ज इज एट रेस्ट, से ये चार्ज है एंड इट इज एट रेस्ट, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑलवेज रिमेंबर चार्ज जब भी रेस्ट पे होगा इट विल प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ व्हेन दिस चार्ज विल स्टार्ट मूविंग, राइट, व्हेन दिस चार्ज विल स्टार्ट मूविंग with a constant velocity v, then it will produce electric field as well as magnetic field. Magnetic field is represented by letter B.